सुबह सुबह मैं जैसे ही घर से बाहर आया तो मैंने देखा कि बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, तो मैं घर के पीछे आकर चूल्हे पर अपने हाथ सेकने लगा। अभी थोड़े हाथ सेक ही रहा था कि और जोर से बारिश शुरू हो गई और मैं सामने आकर बारिश के नजारे देखने लगा। बहुत देर से बारिश बंद न होने की वजह से मुझे चिवड़ा बनाने का सोचा और मैं इरुली लेकर प्याज और मिर्ची काटने लगा। सब कुछ काटने के बाद मैंने चिवड़ा बना लिया। सब चिवड़ा खाने के बाद मैंने चिवड़े को एक डब्बे में रख दिया और ये सब होने के बाद जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि बाहर तो बारिश बंद है और धुवारे पड़ रहे हैं। तभी ये उल्टी भटकती हुई उमेश की आत्मा और दुशांत भी आ जाते हैं और ये अपने बालों की केयर करने वाला प्राणी अपना चेहरा छुपा लेता है और वहाँ से हम लोग ट्रैक्टर पर चल जाते हैं। ट्रैक्टर पर आने के बाद ये प्यार में डूबे आशिक की तरह फोन में सेटिंग चलाने वाले लोग और ये हंसता हुआ छोटा कपिल शर्मा ये तीनों ट्रैक्टर के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं कि तभी अचानक से ये छोटा सा स्कूल जाने वाला बच्चा अपने दोस्त के साथ रेस लगा लेता है और ये सस्ते से स्टंटमैन की स्टंट देखते देखते अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे ही मोर मिनी ब्लॉग्स के लिए डू सब्सक्राइब।